हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश मंगल, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। मैं आपको कैंसर डे पे कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कैंसर को एक भयानक रोग के बारे में माना जाता है, जबकि मेरा अपना अनुभव ये है कि कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि इतना भयानक नहीं है जितना कि आप लोग समझते हैं। अगर कैंसर को इसका निदान बहुत शीघ्र हो जाए तो ये पक्की बात है कि उसका पूरा 100% उपचार संभव है। इसलिए आप कैंसर से डरे नहीं, तुरंत आपके शरीर में कहीं कोई ऐसा कोई प्रक्रिया हो, ऐसी कोई सिम्टम्स हो, ऐसा कोई जो उसका आप उपचार के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप ज़रूर कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें। वो आपके सारे इसी प्रकार की जाँचें की जाएगी और अगर कैंसर होगा तो उसको प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ा जा सकता है और उसका पूरा उपचार किया जा सकता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये छूत का रोग नहीं है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहकर उसका उपचार कराया जा सकता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो आपकी आशा को कभी निराशा में नहीं बदलता। कैंसर एक ऐसा रोग है जो आखिरी क्षण तक आपकी मानसिक शक्ति को कम नहीं करता और उसके कारण से आप अपने पूरे सामाजिक पारिवारिक दायित्वों को निभा सकते हैं। इसलिए कैंसर से डरे नहीं, तुरंत आप कैंसर विशेषज्ञ से मिलें, उसकी जांच कराएं और उसका उपचार कराएं। एक और बात जो समाज के अंदर बड़ी प्रचलित है, जो जिससे रोगी घबराता है, जब हम उसको कहते हैं कि आप बायोप्सी करवा लीजिए तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। एक ये भ्रांति है कि बायोप्सी कराने के बाद मेरा कैंसर रोग फैल जाएगा, ये ऐसा होता नहीं है। बायोप्सी कराने के बाद जब आपके पास डायग्नोसिस आता है, इस रोग को इतना भयानक मानते हुए भी आप लापरवाही करते हैं और उसके उपचार में देरी करते हैं। आप कई इधर से उधर कई डॉक्टरों के पास जाते हैं और ये देरी आपको भारी पड़ जाती है और इसके कारण से आप बायोप्सी से घबराएं नहीं। बायोप्सी का रिजल्ट आते ही जो आपके विशेषज्ञ आपको उपचार बताएं वह उपचार आप तुरंत चालू कराएं। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपने सही समय पर तुरंत उपचार करा लिया तो आपके ठीक होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और इसीलिए अंत में मैं आपको ये कहूँगा, इससे डरे नहीं, इससे बहादुरी से लड़ें। आपके सामने हम समाज में ऐसे बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अपने कैंसर के रोग को बड़ी बहादुरी से लड़ा और आज वो अपना बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं। इन लास्ट आई विल से दैट हैप्पी वर्ल्ड कैंसर डे एंड प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ, कम फॉरवर्ड, हैव योर डायग्नोसिस, हैव योर कम्प्लीट ट्रीटमेंट, हैव योर फेथ इन द मेडिकल फैसिलिटीज and I'll assure you that you will be treated completely and you will enjoy your life as before your diagnosis. Thank you.